कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लंबे समय तक चली लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप सी हो गई थी। जब अनलॉक पीरियड में धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं, तब दुमका जिला में सड़क लुटेरे लूट की घटना को अंजाम देकर व्यापारियों में दहशत फैला रहे हैं। बिना कोई काम किए लूट की कमाई से ऐसा करने का ख्वाब पाले विभिन्न जिलों के अपराधियों का एक गिरोह क्षेत्र में तरह तरह की लूट की घटना को अंजाम देने में लगा हुआ है। इसी क्रम में एक गिरोह के आंध्र प्रदेश के एक ट्रक व्यवसायी का बिहार से ही पीछा करते करते दुमका में लगभग 20 लाख रुपए लूट लिए, जिसके बाद दुमका थाना में मामला के दर्ज होने के बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए अपराधी गिरोह के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया और उनके द्वारा बताए कई जगहों से लूट की राशि भी बरामद की गई। दुमका जिला अंतर्गत मुफस्सिल थाना में 20 लाख की जो लूट हुई थी उसमें बीते दिनों जो है कि 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके साथ हम लोग को 10 लाख का जो है कि बरामदगी हुई थी। पिछले दिन जो है सद्दाम नाम का एक व्यक्ति, वो उसकी गिरफ्तारी हुई है और वो जो है कि 2.5 लाख से कम, 2,26,000 उसके साथ उनके पास से गिरफ्तार हुई है। ये जो व्यक्ति है, ये जो कांड जो हुआ है इसमें ये मुख्य भूमिका निभाया है। इसी ने बताया था, इन्फॉर्मेशन दिया था कि ये जो कांड जो है कि जो करने वाले हैं उनको इन्फॉर्मेशन दिया था और प्लान बना था कि 20 लाख का रुपया जो है आंध्र प्रदेश के एक ड्राइवर जो है आंध्र प्रदेश की ओर लेके जा रहा है, तो दुमका में ये कार्य हुआ। ये बेसिकली क्या है कि इसमें इंटर स्टेट गैंग इसमें एक इन्वॉल्व है, जिसमें कि अलग दूसरे राज्य के भी इसमें गिरोह में शामिल है लोग। तो हम जो है कि हमारी ये अभी तहकीकात में होगी और हम खुलासा ये करना का प्रयास कर रहे हैं कि दूसरा कौन सा इन्वॉल्व है बंगाल में, बिहार में इसके जो गैंग के लोग हैं, उसका अभी हम लोग भविष्य में इसके साथ में खुलासा कर सकते हैं। मास्टरमाइंड गिरफ्त में आया है यानी इस गैंग का? मास्टरमाइंड बोल के तो देखिए सभी जो है कि गैंग के मेंबर थे और इसमें सभी की अहम भूमिका थी। कोई जो है कि इन्फॉर्मेशन दिया था, कोई जो है कि बाइक से पीछा करके उसका जो है कि चोरी छीनताई किया था, परंतु एक दो व्यक्ति और हैं जो कि इस गैंग में शामिल हैं और उनकी गिरफ्तारी करना हमें अभी बाकी रह गया है और उसके भविष्य में हम लोग प्रयास करके गिरफ्तारी करेंगे। एक तो कोरोना वायरस के संक्रमण ने कई लोगों की ज़िंदगी छीनी, दूसरे इसके संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने लोगों के रोज़गार छीने और अब जब अनलॉक के पीरियड में कुछ कुछ रोज़गार लोग करने लग गए हैं तो फिर सड़क लुटेरे उनके रुपये छीन लिए जा रहे हैं। ऐसे में दुमका जिला के लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि इस लूट के उद्भेदन में पुलिस को सफलता मिली और अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य को इसने गिरफ्तार कर लिया, जेल में भेज दिया है। इससे अब उम्मीद की जाती है कि इस क्षेत्र में लोगों को अब लुटेरों से शांति मिलेगी और रोजगार कुछ बढ़ सकेगा। पंजाब केसरी के लिए दुमका से मिलन कुमार झा।